अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यम्मे वाजिद, सेवन हिट्स न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ज़ियारत आसार मुबारक का दीदार भी खुश नसीबी तसव्वुर किया जाता है। शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर में ज़ियारत आसार मुबारक का मौका फराहम किया गया है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की यह रिपोर्ट। यहाँ ये बात तो सभी जानते हैं कि आसार मुबारक की ज़ियारत बुलंद दर्जा बाईस सवाब अमल है। ये उन आजमुदा अमाल में से एक है जिसके ज़रिए बरकात की बारिश हमें नसीब होती है। ज़ियारत के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से अवाम जोख दर जोख यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी नादिर और नायाब अशिया आपको देखने को मिलेंगी कि आप उन्हें देखकर जहाँ एक जानिब खलबी सुकून महसूस करेंगे तो दूसरी जानिब आपकी आँखों को ठंडक महसूस होगी। आप तमाम देखिए, और ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहे मुबारक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहे मुबारक है। यहाँ पर हजरत अबू बकर, ये जो है ये ताई हैदराबाद में छत के पास की लकड़ी है, और ये मस्जिद मोहम्मद, और ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने मुबारक जो चाक कर रहे थे वहाँ के पास के झाड़ की लकड़ी, और वो अंगूर के जा अंगूर ये जो जिब्राइल अलैहि सलाम जमजम से धोए थे सोने के थाले में धोए थे वहाँ पर फिर से उनको वापस रख दिए थे। तो वो जहाँ जो बनो साहब को जो ऊपर पाइप के पास है जो आपकी जिम्मेदारी है आप खाना बना चला देंगे जल्द से जल्द, और जो मेहमान आए मेहमान और ये गारे हीरा का पत्थर है बड़ा उसके नीचे खलीलुल्लाह का साथ आस्तान मुबारक रख के दिखाने के लिए ज़ियारत नहीं कर सका। और ये जो जानिमाज है ऊपर ये बड़ी जो जानिमाज है मस्जिद अली रखा था उनके घर की जानिमाज है, दाई हलीमा के तीनों घर की जानिमाज है, उधर जो कोने में जानी आप आई गरीब है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े मुबारक इसमें जो इसके अंदर यहाँ ये जो चैन यहाँ ऊपर से पूरा नीचे तक ये बीच में सिर्फ इसलिए लगे कि दिखना लगे। और उसके बाद जो फतह है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप तबरुकात देख रहे हैं हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कोने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुबारक है, और यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहे मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुल्फे राशिदीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहे मुबारक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहे मुबारक, हज़रत सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला ने काफ़ी तबरुकात हज़रत नबी करीम हज़रत सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहे मुबारक और ज़ुल्फ़े मुबारक मुक़द्दस तबरुकात में खुल्फ़े राशिदीन
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کریم اللہ وجہ کے منہ مبارک، اور بھی اس کے علاوہ مقدس تبرکات میں خانہ کعبہ کے غلاف مبارک اور خانہ کعبہ کے غسل کا پانی، خانہ کعبہ کے اندر کا ویپر، اس طریقے سے 100 سے زائد مقدس تبرکات کی زیارت ہوئی. الحمدللہ آج کافی لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں. 8واں سالانہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ہے، اور اس کے بانی حضرت سید اسلم حسین شاہ قادری میلاد النبی کمیٹی کی جانب سے یہ انتظامات ہوئے ہیں. الحمدللہ آج کا بعد نماز اثر سے زیارت آثار مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرایا گیا ہے. الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی و کامرانی ملی ہے. کافی دور دراز سے تلنگانہ اسٹیٹ سے اور کرناٹک سے، بھونگیر سے، بنگلور سے، اور ہمارے تمام احمد آباد شریف کے لوگ، کافی لوگ آئے ہیں. مدراس سے، چنئی سے، مدراس، چنئی، گولکنڈہ قلعہ سے لوگ آئے ہیں اس کے زیارت آثار مبارک کے لیے. ہم کثیر تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ ہی دیر میں احمد نقشبندی صاحب قبلہ کا خصوصی خطاب ہوگا. کثیر تعداد میں علماء مشاقین اکرام کی اور حیدرآباد کے، تلنگانہ اسٹیٹ کے عوام کثیر تعداد میں زیارت کے لیے ہیں، اور خصوصی عورتوں کا گوشے پردے کا انتظام رہا ہے. الحمدللہ ہمیں بہت کامیابی ملی ہے. ہماری نیوز آپ کو کیسے لگی؟ ضرور پسند آئی ہوگی، تو پھر دیر کس بات کی؟ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے.